कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो समाप्त हो जाएगा। यूपी गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने महाकुंभ को लेकर दिया बयान, कहा गांजा को वैध कर देना चाहिए, बहुत से लोग गांजा पीते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए ये गांजा को हम कहते हैं क्या, आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई, ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो, कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भका भक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको माने ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है, कौनो मठ में चलो ना हमारे संगम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है, ये ऐसी अवैध चीज है, लाखों करोड़ों। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है के साथ बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं, और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी यह मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।